हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही दिन बाद निकले हैं व्लॉगिंग करने। वैसे दशहरा घूम रहे थे और थोड़ा दशहरा घूमने में हम इतना मगन थे ना, व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। और भाई, मेरा गाड़ी का इतना गंदा सीन हो गया था ना आज, मतलब एक मेरा फ्रेंड व्लॉग बनाया है। हेलो गाइस, मिलते हैं आज के नए व्लॉग में। ये हमारे आतिश राइडर, जिनकी बाइक हो गई है ख़राब और इसको हम लेके जा रहे हैं सर्विस के लिए। बहुत मुश्किल हो रही है गाइस, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ये ड्यूक में। आतिश, मज़ा आ रहा है? दो दिन से गाड़ी खड़ी है। लेके तो जा रहे हैं इसको मैकेनिक के पास। दो दिन से गाड़ी खड़ी पड़ी है हम लोग की, घर के आसपास कोई मैकेनिक नहीं था गाइस, इतनी दूर लेके जाना पड़ रहा है। और देखिए, हम हो गई हमारे मामू लोग से मुलाकात। और ये देखिए, हो गई हमारी सबसे बड़े दुश्मन से मुलाकात, ट्रैफिक। एक तो गाड़ी खराब, ऊपर से ये जाम। भाई लोग, रुक जाओ थोड़ा सा यार, देख रहे हो कि प्रॉब्लम है, तब पर भी बीच में घुसे चला रहे हैं लोग। फाइनली हम लोग जाम से निकले। ये देखिए हमारी देश की सुंदरी। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखिए, हम लोग आ ही गए आखिर में। भाई, मेरा गाड़ी का ट्रेन में लाइन ही नहीं आ रहा था, तो उसको ठेल के ले जाके उधर खगौल तरफ मिस्त्री था, उससे पहले मैंने जाकर पूछा भाई बन जाएगा ना, तो वो बोला कि हाँ बन जाएगा, लेकर आओ। तो चलो, एक बन जाता तो अच्छा रहता ना कि हाँ भाई गए और बन गया। नहीं भाई, गए लोग ठेल के, गाड़ी को लेके ठेल के गए लोग और उधर से बिना बनाए आ गए। बहुत गंदा सीन हो गया था। दो दिन से बाइक कैसे ही बंद पड़ी थी भाई, दो दिन से मेरा मन नहीं लग रहा था भाई। गाड़ी खराब हो जाता है ना, सामान टूट जाता है, उसका ज़्यादा दुख नहीं होता है, बट चलते चलते गाड़ी बंद हो जाए या फिर गाड़ी लगी पड़ी रहे भाई, उसका दुख अलग होता है। एलिवेटर पे चढ़ के जाएंगे लोग, खाली खाली रोड मिलेगा, आराम से निकल जाएंगे लोग। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, बस बैटरी का इशू हो गया है, क्योंकि बार बार सेल्फ ले रहा था मैं। दो दिन से रूम पे खड़ा करके बार बार सेल्फ ले रहा था, उसी में बैटरी पूरा डाउन हो गया है बाइक का। भाई, दशहरा इंजॉय करने के चक्कर में मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, एक भी ब्लॉग नहीं, ब्लॉग डिले पड़ गया था भाई। ब्लॉग बनाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब इसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है। अब लोग फ्रेंड सर्किल में सब कोई घूम रहा है, नहीं होता है, सब कोई घूम रहा है, ऊपर से है, उस बीच में हम कैमरा लेके हेलमेट लेके निकल जाए, थोड़ा सा हम सोचे कि नहीं, थोड़ा सा फ्री होके एकदम अपना दशहरा इंजॉय करें। इसी चक्कर में हम ब्लॉग व्लॉग नहीं डाले थे। अब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लॉग व्लॉग सब आएगा, ब्लॉग आएगा, दिल से आएगा। तो दिखाते हैं कहां पर दिक्कत आ गया था गाड़ी में। उतरो तो हसन, हसन उतरो तो। यहां पर जो भाई ड्यूक रखा होगा ना, वो उसको पता होगा, यहाँ पर मतलब हमेशा कोई ना कोई तार टूट ही जाता है, यहीं से एक तार टूट गया था भाई, पता ही नहीं चल रहा था, बहुत टेंशन में हो गए थे हम। आखिर हुआ क्या अचानक से, आज गाड़ी अपना धोए भी हैं, एकदम साइन मार रही है। देखो गाइस, यही है प्रियांशु का बाइक। Oh.
भाई। अभी जा रहे हैं लोग इसके पूरी रोड, वहाँ पे कोई भैया है। भैया से मिल गए आराम से, उसके बाद कहीं जैसा सीन हो वैसा घूमने के लिए मरीन ड्राइव आएंगे भाई। मरीन ड्राइव, अरे भाई ये क्या है भाई, गाड़ी पे चढ़ गया है ये, देखो कितना मोटा है। इसके पूरी रोड जाके भैया से मिल गए और वहाँ से कोई सीन बनता है मरीन ड्राइव का तो मरीन ड्राइव जाएंगे लोग, वरना मरीन ड्राइव तो घूमा ही हुआ है। सर्दी से हालत ख़राब हुआ है, कुछ भी चीज़ खाने का या पीने का मन नहीं कर रहा है भाई, सब कुछ ठीक हो, बस सांग का कोई इशू नहीं होना चाहिए। देख रहे हो जाम वाम नहीं है, बस आदमी का थोड़ा सेंस होना चाहिए भाई, एक घुसा है तो उसको निकल जाने दो, क्या ही मतलब इतना भी हड़बड़ी नहीं भाई, इतना भी हड़बड़ी क्या है, एक घुसा है तो उसको निकल जाने दो, पकड़ मजा के रखा हुआ है। ये देखो प्रियांशु का तो हालत खराब हुआ हुआ। नुस्खा ले लो ब्रो, जिस जिसको चाहिए दो भाई, नुस्खा दो, नुस्खा दो, जिसको पेट कम करना है ना भाई, रोज सुबह उठे गर्म पानी करे, उसमें नींबू निचोड़े और जीरा पिसा हुआ डाल, ये खत्म हो जाएगा ये। बोरिंग रोड चौराहा और इसके पूरी पार्क घूम घाम के आ गए लोग मरीन ड्राइव पे। देख रहे हो पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा कुछ नहीं है, आराम से रूम पे जाना है, रूम पे जाके खाना भी बनाना है, खाना भी नहीं बनाया लगता है ना।